ठीक ही कहा है कि मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। एक तरफ जहां कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों पर इतना कहर ढाया, ना जाने कितने ही लोगों की जान ली, वहीं दूसरी लहर से निजात मिलने की ओर देश आगे बढ़ ही रहा था कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के रूप में आई तीसरी लहर में देश एक बार फिर नई मुश्किलों में घिरता नजर आ रहा है। बहुरूपिया कोरोना ने फिर दिखाया अपना रंग, देश में फिर से बढ़ रहे कोरोना केसेस, जिंदगी को लगा एक बार फिर झटका, डेल्टा प्लस वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। देश में जैसे तैसे कोरोना की दूसरी लहर से लोग आजाद हो रहे थे, खुली हवा में सांस लेने को बाहर निकल रहे थे कि तभी देश में कोरोना की तीसरी लहर ने डेल्टा प्लस वेरिएंट के रूप में एक बार फिर देश में आतंक मचाना शुरू कर दिया है। जी हां, अब तक देश के 12 राज्यों में डेल्टा प्लस तेजी से फैल रहा है। डेल्टा प्लस के नए मामले 60 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। स्थिति ये है कि बीते एक सप्ताह में महाराष्ट्र में 14 नए मामले सामने आए हैं, वहीं दिल्ली और पश्चिम बंगाल में भी इस वेरिएंट की मौजूदगी की आशंका व्यक्त की गई है। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि महाराष्ट्र में 14 और नए मामले डेल्टा प्लस के मिले हैं। अब तक यहाँ 34 मरीज डेल्टा प्लस से संक्रमित मिल चुके हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश से जांच के लिए पहुंचे सैंपल में 3 और डेल्टा प्लस संक्रमित मिले। इस तरह देश में डेल्टा प्लस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 66 हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, केरल, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में डेल्टा प्लस के मामले सामने आ चुके हैं, जबकि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी इस वेरिएंट को संदिग्ध माना गया है। इसी बीच राहत की बात यह है कि कोरोना वायरस का गामा वेरिएंट भारत से गायब हो चुका है। वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि गामा वेरिएंट का देश में अब कोई मामला नहीं मिल रहा। पिछले 5 महीनों में ये वेरिएंट जीनोम सीक्वेंसिंग में नहीं दिख रहा है। पिछले साल दिसंबर में जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू की गई, इसके बाद जनवरी 2021 में अल्फा, बीटा और गामा वेरिएंट की भारत में मौजूदगी का पता चला था। नई दिल्ली स्थित IGIB के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने बताया कि गामा वेरिएंट केवल 2 लोगों में मिला था, इसके बाद ये वेरिएंट नहीं फैला और 5 महीने बाद भी एक भी मरीज नहीं मिला है। इसलिए अभी कहा जा सकता है कि भारत से कोरोना का गामा वेरिएंट गायब हो चुका है, लेकिन कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए लोगों को नियमों का पालन करना जरूरी है, तभी कोरोना से पूरी तरह से निजात मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।